लखनपाल जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और बरसर विधानसभा क्षेत्र कोने कोने से जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं यहाँ पधारे हैं लखनपाल जी का स्वागत करने के लिए। सर, जो पुराना कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नाराज है इस घटना से, क्या लगता है? चंदे कार्यकर्ता होंगे वो दिक्कतार्थी वगैरह, बाकी कोई नाराज नहीं है। पुराने जो थाना में कार्यकर्ता चले थे बलदेव जी के सारे कार्यकर्ता यहाँ आ गए। जो बलदेव शर्मा जी हैं वो उनके साथ नहीं दिखे, इधर आ गए सारे के सारे कार्यकर्ता, इधर आ गए पुराने। क्या संदेश देना चाहते हैं? लखनपाल जी 40,000 प्लस वोट लेके जा रहे हैं भारतीय सरकार सिंहासी से। आप पुराने कार्यकर्ता हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं जो है वो अनदेखी हुई है। नहीं, पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के फैसला लिया है। आपको नहीं लगता कि पार्टी हाईकमान ने जो भाजपा का कार्यकर्ता काफी समय से दरिया और झंडे उठा रहा था उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होता है उसको जहाँ जाए वहाँ चला जाता है। नहीं नहीं, पूरा मान सम्मान मिलेगा पुराने से पुराने कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में। लखनपाल जी विधायक बन के पूरा मान सम्मान करेंगे। सर, एक हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि जगत प्रकाश नड्डा ने पिछला जो चुनाव हुआ था जमकर गालियां उसमें दी जा रही हैं, जनकर कार्यकर्ताओं कहा जा रहा है, उन्होंने यहां पर जो है 1,000 प्रत्याशी खड़ा किया था और दोनों जो 10 करोड़ रुपए देने की बातें कही जा रही है, क्या क्या भाजपा का यह कैसे? हमने ये वीडियो सुना नहीं है, क्या बोला? मैंने नहीं सुना वीडियो, सुना नहीं है हमने। राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, और तब हमने आपको वो शख्सियत भी दिखाई थी जिन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को त्रिपुरा शर्मा जी हराया था, और ये भाजपा की वो टीम है जिन्हें जगत प्रकाश नड्डा का जो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ है इन्हें अभी तक ज्ञान नहीं है, शायद इनको भी मिल जाए, देखेंगे तो द्वारा इनकी जो है बाइट जरूर लेंगे। क्या लगता है सर, जो यहाँ पर बक्सर में लंबे समय से, मतलब अगर मैं कहूँ 2012 के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो लगातार हारी है भाजपा, तो अब क्या परिस्थिति? 40,000 वोट मिलेगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे। जो इंद्रजीत लखनपाल जी को टिकट दिया है उसकी वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। ये पुराने पुराने कार्यकर्ता निकल आए ना, बोलने के लिए कारणों से नहीं निकल रहे थे लोग। हमारे सिलेबस के बाहर की बातें हैं, बिहार को हम बरसर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बोल सकते हैं, और जो आपने बोला कि विजय शर्मा को वीडियो वायरल हो रहा है वो हमने भी देखा है, हाईकमांड सोच रही है, वो हाईकमांड के नोट्स में है, हाईकमांड विल श्योरली देखा है वो भी। जी जी, हमने देखा है। क्या कहेंगे नड्डा जी के बारे में जो बातें कही गई है वो सत्य है? देखो, वो जो सभ्य बोली नहीं होती, जो सभ्य बातें नहीं होती, और जो बिल्कुल झूठ होता है, दर्शकों, हम आपको बता